अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूँ मुस्कान और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान की दुनिया में। सो हम एक लंबी सी पट्टी लेते हैं और इसका चौड़ाई 1.5 इंच है। ये इसका सीधा साइड है और ये इसका उल्टा साइड है। सो उल्टे साइड से हम इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और फिर इसे बीच में से मिला देंगे। अब हम किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमें सीधा करते हुए 1/2 इंच फोल्ड करके पट्टी को रेडी कर लेना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पीछे से पट्टी को खींच रही हूँ, पर नहीं, हमने सिर्फ पीछे से कपड़े को पकड़ा है। ऐसे करने से क्या होता है कि जो भी हम सिलाई लगाते हैं उसमें चुन्नटी या झोल वगैरह नहीं आती, इसलिए आप जब भी सिलाई करें तो कपड़े को पीछे से हल्का सा टाइटली पकड़े रहें, उसे खींचे नहीं। सो फ्रेंड, मैं बीच बीच में स्टाइलिंग एंड स्टिचिंग टिप्स भी आप लोगों को बताती रहती हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो हमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। किनारे पे सिलाई लगाने से हमारी पट्टी में अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो अब हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम 2.5 इंच पे पट्टी को कट कर लेंगे। हमें सारी पट्टियाँ 2.5 इंच की कट करनी है। अब पहले 2.5 इंच पे एक निशान लगा लें, उसके बाद से सारी पट्टियों को उसी निशान पे से कट कर लें। अब देख सकते हैं हमने सारी पट्टियों को कट कर लिया है। अब चलिए इसे हम पेपर पे लगाते हैं। हमने पेपर पे पहले ही लाइन खींच लिया है। जो पेपर पे हमने लाइन खींचा है उसका चौड़ाई 1.5 इंच है और पेपर का लंबाई हमारे पौंचे की लंबाई इतना है। सो अब हम कुछ इस तरीके से इसमें पट्टियों को 1/2 इंच पे रख के इसमें पेपर में लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें बड़ी सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी हम अपनी पट्टियों को एक बराबर में लगा लेते हैं। जितना दूरी पे हमने इस साइड रखा उतने ही दूरी पे उस साइड भी हम लगाएंगे पट्टियों को। मैं इस साइड थोड़ा ध्यान देना होता है ताकि एक बराबर पट्टियाँ लगें। अब हम दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या पेपर उसे कट कर लेंगे और एक लंबी सी पट्टी लेते हैं। ये इसका सीधा साइड है और ये उल्टा है। तो अब हम पेपर को उल्टे साइड कर लेते हैं और इस पे अपनी पट्टी को रख के सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे पलट देते हैं और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे भी कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम इसे अपनी पैंट में लगाते हैं। हमारे ये पैंट का सीधा साइड है और हम पेपर को इस तरीके से रखेंगे। जो पेपर वो दिख रहा है उसे हम ऊपर की ओर रखेंगे और जो पट्टियाँ हैं उसे सीधे साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। जो पेपर में हमने सिलाई लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। इसे पलट देते हैं और जमावट के लिए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। हमारा डिज़ाइन 1.5 इंच का है, इसलिए अगर आप पैंट का कटिंग करें तो पैंट को 1.5 इंच छोटा ही रखें। अब हम अपने पैंट को किनारे पे सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हम पेपर को निकाल लेंगे। आप लोग जितना फिटिंग करना है उतना फिटिंग रख सकते हैं। अब हम पेपर को निकाल लेते हैं। पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। पेपर लगा के डिज़ाइन बनाने से क्या होता है कि हमारा डिज़ाइन एक बराबर और फिनिशिंग के साथ अच्छे से बनता है। आप देख सकते हैं हमने पेपर को निकाल लिया है
और जो भी थोड़ा बहुत पेपर दिख रहा है वो वॉश करने के बाद से निकल जाएगा। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।